Hello learners, welcome to Dynamic Study. This is your paper code 55 series and today we'll be starting with the very first unit of your syllabus. Okay, and abhi humne last aapka unit 7 cover kar liya hai. Usme jitne bhi important acts hain, sab maine cover kiye hain, sare important topics. ILO last topic hai jo aapka abhi continuation mein chal raha tha and all the acts I have covered everything. So aap wo dekh sakte ho, kuch questions bhi maine uske cover kiye hain. जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू सीरीज की, तो आप वो भी देख सकते हो. अभी पहले सबसे पहले मैं इसके सिलेबस को देखना हमें जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले सिलेबस देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो देखिए आप, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, फियोल, मायो, मैरी बार्कर फॉलेट एंड सी आई बर्नार्ड, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड कंटिंजेंसी अप्रोच, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. जिससे कि आप सब बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये आपके बीएस का पार्ट है, दैट इज बिजनेस स्टडीज का पार्ट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो बाकी जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट है वो भी आपका काफी फैमिलियर, आप उस चीज से होंगे, वो भी आप पढ़ चुके हो. एंड ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कुछ, दैट इज टेलर, फियोल, मायो, मैरी पार्कर फॉलेट, सी आई बर्नार्ड, ये मैं सब कवर करूंगी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. एंड ऑल द अप्रोचेज ऑल्सो वी विल कवर, सो लेट्स बिगिन. ओके, तो डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे सबसे पहले, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इम्पोर्टेंट ही कवर किए मैंने, सब इधर उधर का कुछ नहीं डाला है. तो हेनरी फियोल जी ने कहा था, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये किसने दी थी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? फियोल ने दिए थे, याद रखना है आपको. पीटर ड्रकर ने कहा, मैनेजमेंट इज अ मल्टी पर्पज organ that manages business and manages managers and manages workers and work. As it is, याद रख लेना पीटर डकर जी ने क्या फुल क्या डेफिनेशन दी थी. ओके, हार्लोन कुंस जी ने क्या कहा था, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. ओके, मैरी पार्कर फॉलेट जी ने कहा, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. अब यहाँ पे हार्लोट कुंस एंड मैरी पार्कर फॉलेट, फॉलेट की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, एफ ओ होता है, ठीक है. ये लेडी थी और इन्होंने कहा था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. और कुंस जी ने कहा था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इन्होंने फॉर्मेलिटी के ऊपर ज्यादा बात की थी. हार्लोट कुंस जी ने कहा था कि फॉर्मल ग्रुप्स होंगे, मीन्स जिसमें इंस्ट्रक्शन, हायरार्की सिस्टम फॉलो होगा. ओके, एंड जो फॉलेट जी थी वो थोड़ी उनके बारे में मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगी आपको, क्योंकि आपका देखिए सिलेबस का पार्ट है मैरी पार्कर फॉलेट, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स. सो अभी के लिए आप याद रखना कि उन्होंने कहा था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. ओके, अब प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ये पहला ही टॉपिक है आपके सिलेबस का, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट थॉट. तो थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, बाकी हम इसमें प्रिंसिपल्स ही प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर. आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी सब में प्रिंसिपल्स की बात होनी ही है, तो थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लो. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द असेंशियल अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट. तो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट को ग्रो करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक गाइडलाइन का काम करते हैं. ओके, और वो हेल्प करते हैं कि हम एक बेस बना ले, एक अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं ये जो हेल्प करते हैं हमें हमारे मैनेजमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए. ओके, इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ यहाँ पे एक बात हुई है, यूनिटी ऑफ कमांड एक एग्जांपल डाल दिया मैंने. यूनिटी ऑफ कमांड जो है एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि हेनरी फियोल जी ने दिया था. ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर. तो हर एक सबऑर्डिनेट अपने एक सुपीरियर के नीचे काम करेगा और उसी के लिए अकाउंटेबल होगा और उसी से ही ऑर्डर्स रिसीव करेगा. तो यहाँ पे ये बोली गई है बात, और ये इसलिए करेगा वो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो. ठीक है, तो ये काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. ओके,
सो नाउ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट देखेंगे. तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट से आप सब थोड़े थोड़े फैमिलियर तो होंगे. स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट में क्या था कि कुछ अप्रोचेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोनेंट्स ने दी हुई हैं. उन्होंने बताया हुआ है कि मैनेजमेंट क्या है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, हमें उन्हें कौन से प्रिंसिपल्स लगा के उसको आगे तक लेके आना है. कोई फॉर्मैलिटी में बिलीव करता है, ठीक है, कोई इनफॉर्मैलिटी में बिलीव करता है, कोई ह्यूमन बिहेवियर में बिलीव करता है, कोई ह्यूमन साइकोलॉजी में बिलीव करता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक ब्यूरोक्रेसी में बिलीव करता है. तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं. तो इसमें ही यही हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं. तो हार्लन कुंस हैज करेक्टली कॉल्ड द सिचुएशन एज मैनेजमेंट थ्योरी जंगल. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारी अप्रोचेस हैं, तो हार्लन कुंस जी ने इसको इसीलिए ही डिस्क्राइब किया है मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं. तो इट्स लाइक अ जंगल, ओके. तो जंगल में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो सेम वे यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी अप्रोचेज हैं. देयरफॉर ही कॉल्ड इट बाय अ टर्म मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, जो आपको याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट, ही क्लासिफाइज द वेरियस अप्रोचेज इनटू स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी. ही वर्क हैज बीन सप्लीमेंटेड बाय स्कॉलर्स सच एज जॉन एफ मी, जोसेफ ए लिटर, W.W. कॉपर एंड अदर्स. अब ये मैंने क्यों डाला यहाँ पे, उसका रीजन ये है कि 2019 का पेपर अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो यू गेट टू नो कुछ अजीब से क्वेश्चंस पूछे हैं. अजीब से इन द सेंस, एक क्वेश्चन बना मैनेजमेंट एक्सप्लॉयटेशन किसने दिया, ओके. तो ये भी आपको पता होना चाहिए ऐसी चीजें कि कहाँ क्या पूछ लें. यही पूछ लें कि हु वर द पीपल हु सप्लीमेंटेड हार्लन कुंस वर्क, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन के नाम इम्पोर्टेंट है, ओके. इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट, वो अभी मेरे को ऐसे याद नहीं, लेकिन जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगी कि देखिए ये पूछ लिया गया, ये पूछा गया है. तो क्वेश्चन वहां से ऐसे डायरेक्टली बने हुए हैं. एक क्वेश्चन बना हुआ था जो मुझे अभी याद आ रहा है कि उसमें हमसे पूछा था कि जो लाइक मैरी पार्कर फॉलेट का नाम था, मैस्लो जी का नाम था, और हेन्सबर्ग जी का था शायद, एल्टन मायो जी का नाम था. तो हमसे पूछा गया था कि इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करो कि कौन सा फर्स्ट आया, पहले आए थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज पहले दी थी, कौन से बाद में. तो थोड़ा सा आपको ईयर भी इसलिए पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में किसका काम था, मतलब कौन से एरा में किसका काम चल रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो इसलिए आई एम कवरिंग ऑल दीज थिंग्स, ओके. तो देखेंगे फाइव स्कूल्स मैनेजमेंट थ्योरी. अब इन्होंने हार्लन कुंस जी ने फाइव स्कूल्स मैनेजमेंट थ्योरी दी थी. पहला है ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, सेकेंड इज द एम्पेरिकल स्कूल, थर्ड द ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन बिहेवियर स्कूल, फोर्थ द सोशल सिस्टम स्कूल, एंड फिफ्थ इज द डिसीजन थ्योरी स्कूल. तो ये थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, बनता है. एक तो आपको ये याद रख लेना है कि हार्लन कुंस जी ने फाइव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो दिए थे वो कैसे दिए थे, मतलब कौन कौन से हैं, ये याद होना चाहिए आपको अच्छे से. नेक्स्ट इनका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या बात हो रही है. तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल देखो पहले. दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच, यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच एंड क्लासिकल अप्रोच. एज इट इज याद कर लेना कि इसको इस नाम से और जानते हैं हम. पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन ऑपरेशनल प्रोसेस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस फंक्शन. एक ऑपरेशनल प्रोसेस है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट, एक्सपीरियंस कैन फर्निश ग्राउंड्स फॉर डिस्टिलेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस. तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को भी फोकस किया गया है कि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो डिस्टिलेशन प्रोवाइड करती है, हमें पारदर्शिता प्रोवाइड करती है, और जिससे कि हमें इम्प्रूव होती है हमारी प्रैक्टिसेस, ओके. तो हमें जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा हमारी अच्छी प्रैक्टिसेस होंगी. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड देयर वैलिडिटी एंड इम्प्रूव देयर एप्लीकेबिलिटी. तो दूसरी चीज पे जहाँ पे यहाँ पे फोकस किया गया है वो किया गया है रिसर्च पे एंड टेस्ट पे. तो टेस्ट जितने ज्यादा होंगे एंड जितने ज्यादा रिसर्च होंगे उतनी ज्यादा हमारी जो प्रैक्टिस है और मीन्स एप्लीकेबिलिटी है किसी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लगाने की वो इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बट लाइक मेडिसिन और इंजीनियरिंग इट रिलाइज ऑन इट्स प्रिंसिपल. तो मैनेजमेंट एक आर्ट है जो कि कम्प्लीटली रिलाइज करता है अपने प्रिंसिपल पे. प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, वो एक बेस है, वो एक अंडरलाइंग फैक्टर्स है जिसके ऊपर मैनेजमेंट खड़ा होता है. नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजर्स जॉब में भी इफेक्टेड बाय वेरियस एनवायरमेंट फैक्टर्स. मैनेजर की जॉब ऑब्वियसली एनवायरमेंट फैक्टर से इफेक्ट होती है, कैसा पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं,
और वॉट एवर लाइक सारे ही फैक्टर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एवरी फैक्टर मैनेजर की जॉब इफेक्ट होती है. बट दी मैनेजमेंट साइंस नीड नॉट कवर ऑल दी फील्ड्स ऑफ नॉलेज इन ऑर्डर टू सर्व एज फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस. क्या मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, तो मैनेजमेंट वॉन्ट बी इफेक्टेड बाई दी ह्यूमन बिहेवियर. ओके, सो बेसिकली द मैनेजर इज अ ह्यूमन, दैट देयरफॉर ही विल बी इफेक्टेड बाई दी ह्यूमन बिहेवियर. एक मैनेजर इफेक्ट हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से, लाइक सपोज स्ट्रॉम, अगर बारिश हो गई है बहुत तेज हवाएं चल रही है, तूफान आ गया, तो मैनेजर इफेक्ट होगा, मैनेजमेंट इफेक्ट नहीं होगा, ये बोला गया यहाँ पे. नेक्स्ट देखिएगा एम्पेरिकल स्कूल. तो एम्पेरिकल स्कूल में क्या बोला गया है, थोड़ा सा देखते हैं जल्दी से. ऑल ऑल्सो नेम्ड एज मैनेजमेंट बाय कस्टम स्कूल, याद रख लेना बहुत अच्छे से ऐसे ही, इसको हम मैनेजमेंट बाय कस्टम स्कूल भी बोलते हैं. इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन है इसके, अर्नेस्ट डेल, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट, अर्नेस्ट डेल जी का नाम यहाँ पे एम्पेरिकल स्कूल में लिया जाएगा. अकॉर्डिंग टू देम, दो बार रिपीट हो गया, अकॉर्डिंग टू देम ए मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस की बात जरूर की थी, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो फर्निश करता है, एक बैकअप प्रोवाइड करता है, लेकिन मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, ये कहाँ बात हुई है, एम्पेरिकल स्कूल में, याद रखना, कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज नहीं होना. बी पॉइंट देखेंगे, द मैनेजरियल एक्सपीरियंस कैन बी गेनफुली यूटिलाइज्ड बाय पासिंग इट टू ओवर टू द प्रैक्टिशनर्स एंड स्टूडेंट. यहाँ पे बात हुई है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको जो है एक सुपीरियर अपना जो एक्सपीरियंस है वो पास ऑन करते चला जाएगा. ओके, नेक्स्ट सी पॉइंट, द सक्सेस एंड अ फेलियर ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोवाइड अ फ्रूटफुल गाइडेंस टू मैनेजर इन सिमिलर सिचुएशन दैट मे अराइज इन फ्यूचर. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एक मिस्टेक एक बार हो गई है तो हम उसे सीख जाते हैं, और अगर फ्यूचर में वही सेम सिचुएशन हमारे सामने अराइज होती है तो हम अपना फ्यूचर का एक्सपीरियंस, पास्ट का एक्सपीरियंस यूज करके उस फ्यूचर की डिलेमा को सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे ये बोला गया है, और देयरफॉर इसलिए ही हम इसको बोलते हैं केस स्टडी अप्रोच. तो केस स्टडी अप्रोच में भी तो यही होता है ना, केस स्टडीज में क्या होता है, केस स्टडीज कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, सिचुएशनल केसेस होते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई होती हैं, जिसमें डिसीजंस लेना होता है. ओके, तो उनको स्टडी करके हम फ्यूचर के डिसीजंस ले सकते हैं. तो यहाँ पे यही बोला गया है. बी पॉइंट यहाँ पे लास्ट बचता है, एनी थ्योरिटिकल रिसर्च कैन बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. ओके, तो थ्योरी जो है वो डिराइव होती है हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस में जो आई थी, जो चीज प्रैक्टिकली फील की किसी ने, उसी को ही थ्योरी बना दिया गया. नेक्स्ट देखेंगे द ह्यूमन बिहेवियर स्कूल. तो ह्यूमन बिहेवियर से समझ में आता है कि ह्यूमन क्या है, एक ह्यूमन एक सोशल बीइंग है, उसका बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, तो ह्यूमन इज द लाइक इज एन यूनिट विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मैनेजमेंट. तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हुई है, और इसके प्रोपोनेंट कौन थे, एल्टन मायो जी थे. एल्टन मायो की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लेना. द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर साइंस अप्रोच. पहला है एम्प्लॉय मोटिवेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल सिस्टम, थर्ड इज लीडरशिप, फोर्थ इज कम्युनिकेशन, एंड फिफ्थ इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं. एम्प्लॉय मोटिवेशन, कोई भी ह्यूमन को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है उसकी हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई मोरल के लिए. उसे मोटिवेट करते रहना होगा, देयरफॉर टू मेक हिम वर्क एंड लाइक टू बी वेरी प्रोडक्टिव एंड टू कीप हिज मोरल हाई. ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को हम एक सोशल सिस्टम रखना होगा, क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट करेगा, और तो सोशल इंटरेक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एन ह्यूमन बींग. लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लीडर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, जो कि मोटिवेट करे इंटर्न अपने इम्प्लॉइज को भी. कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपस में बात दोनों तरीके का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नेक्स्ट इज इम्प्लॉई डेवलपमेंट, इम्प्लॉयर डेवलपमेंट. ओके, तो द न्यू थिंकिंग इन मैनेजमेंट स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ नीड हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो. तो यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दी गई ये चीज क्योंकि अब्राहम मैस्लो जी की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी उसमें जो है आपका सोशल चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी. तो यहाँ पे इसलिए से मेंशन किया गया इन 1940 में, फॉलोड बाय द वर्क ऑफ फ्रेडरिक हेंसबर्ग. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाता है कि अब्राहम मैस्लो जी का काम पहले आया था, फिर हेंसबर्ग जी का आया था, फिर डॉगलस एमसी जॉर्जल जी का आया था, जिन्होंने एक्स एंड वाई थ्योरीज दी थी. मीन्स मैनेजर्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज एक्स
टाइप एंड वाई टाइप ये कहीं और डिस्कस कर लूंगी मैं. एंड केनेथ लिंकर्ट रिसर्च ड्यूरिंग द पीरियड हैज प्रोवाइडेड सफिशिएंट एविडेंस दैट ह्यूमन एलिमेंट इज अ की फैक्टर इन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए. तो ये सब यहाँ पे बताया गया है. ये इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डाला गया कि अब्राहम मास्लो जी की थ्योरी, उसके बाद हेंडिसबर्ग की थ्योरी, उसके बाद जो ग्रिगोर की थ्योरी, इन लोगों ने भी प्रूव कर दी ये चीज कि ह्यूमन एलिमेंट इज वेरी मच एसेंशियल इन एन मैनेजमेंट. ओके, सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट. आज ये इतना कवर हो गया है. नेक्स्ट हम इसमें कंटिन्यू करेंगे. सो वी हैव स्टार्टेड विद द यूनिट 1. ओके, सो यू प्लीज बेटर बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नोट्स. एंड आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दो इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट JRF इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग. प्लीज कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड शेयरिंग माई वीडियोज. आई रियली गेट वेरी मच मोटिवेटेड अगर कोई भी लाइक करता है वीडियो तो. थैंक यू.